हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस वन लेसन नंबर 15, दैट इज़ माय डिस्ट्रिक्ट माय स्टेट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था, यहाँ तक ये सारा वीडियो में हमने देख लिया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब कवर कर लिया था। और क्या क्या है, क्या क्या देखा हमने, तो किस तरीके से पहले लोग बसते हैं, एक जगह बस्ती बनाते हैं, फिर गाँव बनता है, ज़्यादा ज़्यादा गाँव बनेगा तो तालुका बनेगा, तालुका से क्या बनेगा, फिर तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से क्या बना था, फिर स्टेट हमारा, ठीक है। तो वो सब मैंने कवर कर दिया है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो हमने ये सारी चीज़ कवर कर ली थी, और हमें आज करना है यहाँ से ये जो नीचे दिया गया है, और इसमें हमने वो सारी चीज़ देखी थी कि जहाँ पे हाई मीडियम, हाई लो मीडियम, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे कौन से फसल क्रॉप्स उगेंगी, और कहाँ पे मीडियम बारिश रहेगा तो वहाँ पे कैसे फसल उगेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ से, और आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। हमें पता है कि जो क्रॉप्स, हमें पता है जब बहुत बारिश होती है तो कैसा होता है कि बहुत अच्छी फसल होती है, टाइम टू टाइम अगर पानी मिल जाती है, सिंचाई हो जाती है खेत की, तो क्या होता है, बहुत अच्छे से फसल होती है। लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो क्या हो जाते हैं, किसान कितने आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बर्बाद हो जाते हैं, हम देखते हैं बहुत लोन लेते हैं, तो इस तरीके से वो लोग क्या बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, मतलब कि उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर टोटली जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, मतलब जो एग्रीकल्चर है, वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे, मौसम पे, ठीक है। जैसा मौसम, जैसी बारिश होगी वैसा ही हमारा खेती होगी। सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और किस पे डिपेंड करती है, मिट्टी की, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मतलब फर्टिलाइज़र, मतलब उपजाऊ है कि नहीं, और वाटर रिसोर्स कैसा है, वहाँ पे पानी अच्छे से, अगर बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पे नदियाँ अगर हैं, और वहाँ पे जो कैनल वगैरह होता है, जो नहर वगैरह होता है, वहाँ से अगर सिंचाई हो जा रही तब भी अच्छी फसल हो सकती है, अगर बारिश नहीं हो रही फिर भी अगर नदी वगैरह से पानी मिल जा रहा है वहाँ पर तो भी फसल अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो अगर अच्छी सी मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वाटर का सोर्स अच्छा होगा वहाँ पे, और जो क्लाइमेट रहेगा अच्छा रहेगा, तो फिर अच्छी फसल होगी। डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि महाराष्ट्र स्टेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेनफॉल होती है, मतलब अलग अलग रीजन, डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट रेनफॉल होती है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ वेराइटी इन द क्रॉप्स ग्रोन। तो इसी की वजह से, एज अ रिजल्ट मीन्स इसी का परिणाम है कह सकते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे देयर इज़ वेराइटी इन द क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे अलग अलग वेराइटी, अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र, और एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है महाराष्ट्र की, ओके। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है वो ही क्या है, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना, इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है, मतलब कि यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेनफॉल। खेती ज़्यादा से ज़्यादा इन द स्टेट, मतलब महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन रेनफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं लोग, जितने भी फार्मर होते हैं हमारे। दिस इज़ कॉल्ड रेन फेड, दैट मीन्स, रेन फेड मीन्स क्या, कि रेन फेड का मतलब होता है कि वर्षा पे आधारित है, रेन पे बेसिस है, जैसी बारिश होगी वैसा ही फसल होगी। और रेन फेड का मतलब क्या बोलते हैं, जिरायती एग्रीकल्चर, जिरायती। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे वाटर ऑप्टेंड थ्रू इरिगेशन इज़ आल्सो यूज्ड। कहीं कहीं पे बारिश क्या होती है, ऑप्टेंड थ्रू, मतलब वाटर ऑप्टेंड किया जाता है इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे इरिगेशन के थ्रू, इरिगेशन मीन्स वॉट, तो सिंचाई के थ्रू, वाटरिंग, मतलब कि अगर बारिश नहीं हो रही तो अगर वहाँ पे नदियाँ अच्छी हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नदी है तो नदी से पानी ले लेते हैं, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं अलग अलग, तो वहाँ से ले लिया जाता है, झील है तो वहाँ से पानी ले लिया जाता है, नहरें हैं वहाँ से पानी लेके वो अपना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, मतलब फसल को सिंचाई कर देते हैं, फसल की सिंचाई कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इरिगेटेड मीन्स बागायती एग्रीकल्चर, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इरिगेटेड एग्रीकल्चर, मतलब कि जो पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं रेन फेड मीन्स जीरायाती एग्रीकल्चर। और जहाँ पे इस तरीके से इरिगेशन के थ्रू वो अपना वाटरिंग कर लेते हैं, जहाँ पे नदियाँ वगैरह हैं वहाँ से सिंचाई कर लेते हैं, तो उसे बोला जाता है इरिगेटेड मीन्स बागायती एग्रीकल्चर,
तो ये ध्यान रखना है आपको। द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खरीफ सीजन। जो खेती बारिश के टाइम होती है, मानसून पीरियड में होती है, बारिश के टाइम में, बारिश जब बारिश हो रही है उस टाइम पे जो खेती होती है उसे बोला जाता है खरीफ सीजन, खरीफ की फसलें, ठीक है। एंड द वन दैट फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड द रबी सीजन। मतलब कि जो विंटर मीन्स क्या होता है, ठंडी के टाइम में, ओके। एंड वन दैट फॉल्स ड्यूरिंग विंटर, और जब ठंडी के टाइम में जो फसलें उगाई जाती है उसे बोला जाता है रबी सीज़न। मतलब जो बारिश के टाइम में फसलें उगाई जाती है उसे बोला जाता है खरीफ सीज़न, और जो विंटर के टाइम में किया जाता है उसे बोला जाता है रबी सीज़न। स्टडी द मैप एंड कम्प्लीट द गिवन एक्टिविटीज़। यहाँ पे मैप दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें कंप्लीट करना है। तो पहले आपको इंडेक्स ध्यान से देखना है, और ये क्या दिखाया गया है, महाराष्ट्र स्टेट मेजर फ्रूट्स एंड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप्स मतलब कि जिनका वो फसलें जो इसीलिए उगाई जाती हैं ताकि उनसे पैसे आ सके, तुरंत उन्हें बेचे और उनसे पैसे आ सके। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, कॉटन तुरंत बेच के तुरंत पैसे आते हैं उससे, ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, कैश क्रॉप्स बोल सकते हैं। शुगर केन तुरंत के तुरंत शुगर वो लोग बेचते हैं, शुगर की जो मील होती है जहाँ पे बनाते हैं शुगर वहाँ पे वो लोग बेच देते हैं। वेजिटेबल्स भी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसे बोला जाता है, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि बोला जाता है इसे कैश क्रॉप्स, ठीक है, इसे ध्यान देना है आपको। तो कैश क्रॉप्स ये हैं और फ्रूट्स ये हैं, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है फिर हम ढूंढते हैं, पहले देख लेते हैं अच्छा मैप को। हम यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ठीक है। जैसे धूले में क्या हो रहा है, तो धूले में कपास की खेती होती है। नासिक में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे शुगर केन जो गन्ना होता है वो भी होता है, वेजिटेबल भी हो रहा है, ग्रेप्स भी हो रहा है, अनियन भी हो रहा है, आपने यहाँ पे देखा ना इंडेक्स में, आपको ये ध्यान देना है। ऑरेंज का सिंबल, बनाना का सिंबल, सब सिंबल वही है जैसा वो रहता है वैसा ही बिल्कुल उसका सिंबल भी है। मैंगो का सिंबल, चीकू, सब जैसा वो है वैसा ही उसका शेप भी दिया गया है। कैश्यू नट को पता ना, काजू इस तरीके से होता है, ग्रेप्स ऐसे ही होता है, कोकोनट ऐसे ही होता है, शुगर केन, कॉटन, टर्मरिक, हल्दी, ये देखिए हल्दी का यहाँ पे इमेज भी दिया है, वेजिटेबल्स, अनियन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं ये आपको देखना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कोस्टल रीजन है जहाँ पे समुंदर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसकी खेती हो रही है, तो कोकोनट की, ओके। आपको पता ही है नासिक में कितना ज़्यादा ग्रेप्स होता है, इसके लिए नासिक में ग्रेप्स यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिखाया गया है। अनियन भी हो रहा है, शुगर केन भी हो रहा है, वेजिटेबल्स भी हो रहा है, और आपको तो पता ही है कि ऑरेंज कहाँ पे ज़्यादा होता है, तुम्हें पता है नागपुर में सबसे ज़्यादा ऑरेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज़्यादा ऑरेंज कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे। और ये क्या है, अमरावती में भी ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये अमरावती में, फिर भी इससे तो कम ही है, नागपुर में सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या है, यवतमाल, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑरेंज है, मतलब ये इसी जगह पे ज़्यादा उगाया जाता है ज़्यादा नहीं, मतलब हमें पता है नागपुर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और आप इस इमेज से समझ भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नागपुर में ही उगाया जाता है, ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ पे कॉटन उगाया जाता है, अब ये देखिए जलगांव है तो यहाँ पे क्या क्या उगाया जा रहा है, यहाँ पे ग्रेप्स भी, कॉटन भी और बनाना भी। अकोला में यहाँ पे देखिए ऑरेंज थोड़ा सा उगाया जाता है और ज़्यादा ज़्यादा कॉटन, ये सब क्या है, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो पूरा कॉटन ही कॉटन उगाया जाता है। हिंगोली में भी सिर्फ कॉटन ज़्यादा है, कॉटन ही है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो ग्रेप्स। तो उन आपके आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने हैं जो ग्रेप्स उगाते हैं। अब आप पता कर लोगे ना, कि मुझे बताना पड़ेगा ये, अब आप पता कर लोगे, मुझे पता है, वो आपको सिंबल देखना है और आपको उस जगह पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट में जाना है। सर्कल द नेम्स ऑफ कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है आपको। सर्कल द सिंबल्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन द थाने एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि थाने में पूछा गया है कि थाने में कौन सा होता है उसे आपको लिखना है अपने नोटबुक में। थाने में आपको बोला गया है कि सर्कल द सिंबल्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन थाने, उन क्रॉप्स को सर्कल करो जो कि
थाने में उगाया जाता है, तो थाने में, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया थाने में इस तरीके से। ये देखिए थाने यहाँ पे है, थाने में तो एक भी क्रॉप नहीं दिया गया है, ठीक है, बट आप सर्च करना, शायद कुछ उगाया जाता हो। यहाँ पे नहीं दिया गया तो इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही। ये देखिए कैश्यू नट्स यहाँ पे कितना उगाया जाता है कोल्हापुर में, और यहाँ पे सिंधु दुर्ग जो है वहाँ पे, सिंधु दुर्ग में, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल है, आपको ढूंढना है और वैसे ही आपको सर्कल करना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो कोकोनट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। राइट देयर नेम इन योर नोटबुक, इसे भी आपको लिखना है। तो कौन कौन से कोस्टल रीजन में, तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे यहाँ यहाँ से कहाँ कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे, तो यही रीज़न है जहाँ पे कोकोनट के ट्रीज़ का यहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखेंगे। और देखिए फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ऑरेंज क्रॉप, तो हमें पता है ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो हमने देखा वहाँ पे अमरावती था, और क्या था सबसे मेन नागपुर, और एक था और वो भी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ऑरेंज क्रॉप, कलर देम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। उसे क्या करना है आपको, अलग अलग कलर में वहाँ पे कलर यूजिंग अ डिफरेंट कलर, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अलग अलग कलर में उसे आपको कलर से फिल करना है। ऑल द क्रॉप्स शोन अबव आर बेस्ड ऑन इरिगेशन, जितने भी यहाँ पे फसल हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं अलग अलग जगह पे, तो ये क्या है, इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं, इरिगेशन पे ही आधारित हैं। जहाँ पे इरिगेशन जैसा होगा, इरिगेशन मीन्स सिंचाई पे, ठीक है, सिंचाई पे आधारित हैं ये सारी फसलें। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई क्लाइमेट एंड सॉइल, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसे इन्फ्लुएंस करती है, क्लाइमेट और सॉइल को, मतलब कि जैसी मिट्टी रहेगी जहाँ की वहाँ पे वो फसल ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कोकोनट को जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुंदर के जस्ट किनारे है, तो यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ, ये कोकोनट के लिए एकदम अच्छा है। ऊपर में हमने देखा कि जहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए ये प्लेस सबसे अच्छी है, इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा होता है। ओके, नासिक में हमने, हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेप्स ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो सी मौसम है, जो वहाँ की सॉइल है, क्लाइमेट है, वो उसके लिए अच्छी है, इसके लिए वो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। दैट मीन्स कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल, कि सॉइल और क्लाइमेट भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप्स पे, कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा होंगी। अब आप सोचिए कि अगर यूपी बिहार में कोकोनट की खेती की जाए या फिर पंजाब में की जाए, तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं। राजस्थान में आप कोकोनट का ट्रीज़ का फार्मिंग कर सकते हैं क्या, खेती कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ का वो सॉइल नहीं है, वो वेदर नहीं है, वहाँ पर समुंदर नहीं है, ठीक है। केरला में होता है अच्छा, क्योंकि वहाँ पर समुंदर है। उड़ीसा साइड में होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ पर आपको समुंदर साइड दिखेगा, सी शोर दिखेगा, वहाँ पर होगा उसका, ठीक है। गेहूं क्यों नहीं होता यहाँ पे, गेहूं का हमने कहीं पे फसल नहीं देखा, क्यों नहीं देखा यहाँ पे, क्योंकि कहीं कहीं होता होगा तो होगा, होता होगा नहीं तो वो भी नहीं, क्योंकि उसके लिए यहाँ का जो वेदर है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो उसके लिए ठीक नहीं। वो पंजाब में, यूपी बिहार कह सकते हैं, उधर उधर साइड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऐसी ही होती है। ओके, वहाँ का वेदर ऐसा होता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें होती हैं। इसी तरीके से हमने इसमें भी देखा कि कौन सी फसल कहाँ पर ज़्यादा होती हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज कमर्शियल और कैश क्रॉप्स, हमने पहले ही देखा कि इन्हें कमर्शियल और कैश क्रॉप बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा क्योंकि ये सारी चीज़ें तुरंत बनाते ही इसलिए हैं, इसलिए उगाते हैं ताकि उसे बेची जा सके और अच्छे पैसे मिलते हैं इन सब चीज़ के। कॉटन की जो खेती होती है वो भी बेचने के लिए, ऑरेंज के भी, ग्रेप्स के लिए भी, सब बेचने के लिए ना, ये सब इकट्ठा करके थोड़ी रखेंगे। इकट्ठा करके रखने वाले कौन से चीज़ें हैं, ग्रेन्स, दाल चावल गेहूँ, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह, आप ये कपास वगैरह कितना इकट्ठा करें, आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए क्या बोले जाते हैं इसको, कैश क्रॉप्स, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत पैसे मिल सके। केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज फॉर दीज क्रॉप्स, और इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र, मतलब कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है वो ऑर्गेनिक कोई यूज़ नहीं करता, घर के जो खाद होते हैं उसे कोई यूज़ नहीं करता। इसमें कह सकते हैं कि हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें क्रॉप्स के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं।
द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स हैज़ राइजन। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है और जो फर्टिलाइज़र का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, यील्ड। यील्ड मीन्स वॉट? यील्ड मीन्स कि उसकी जो उपज है, जो उसका आउटपुट है क्रॉप का, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यील्ड मीन्स कि जो उसका प्रोडक्शन है क्रॉप का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, केमिकल पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। बट हाउ एवर दिस रिजल्ट इन ग्रेटर सॉइल पोल्यूशन, इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन होता है। ये जो केमिकल हैं, हमें पता है केमिकल ना तो हमारे लिए अच्छा है ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हमारे बॉडी में जाके ये अलग अलग डिजीज़ पैदा कर रहे हैं, अलग अलग रोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे भी पल्यूट कर रहे हैं, मिट्टी को भी पल्यूट कर रहे हैं। वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेयरिंगली। तो हमें क्या करना है, हमें केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, जो पेस्टिसाइड है, उसे स्पेयरिंगली, स्पेयरिंगली मीन्स वॉट, स्पेयरिंगली मीन्स कि स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में, कम से कम, किफ़ायत से ही, ज़रूरत से ही बस करनी चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स पकाने के लिए उसमें कार्बोनेट जो भी होता है उसके, उसे पकाने के लिए वो सारी चीज़ें का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं जल्दी से जल्दी उसे बढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है अगर हम अपने हेल्थ, मतलब कि हेल्थ की अगर देखें, हेल्थ की तरफ से, तो ये क्या है, बहुत ही हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शुड बी यूज्ड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, जो घर के बने हुए खाद होते हैं, जैसे जो काउडंग होते हैं, जो मतलब जो एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो सूखे कचरे होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें सड़ा के जो बनता है फर्टिलाइज़र, वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है और सॉइल के लिए भी, मिट्टी के लिए भी अच्छा होता है, उससे पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ता और उससे अच्छी फसल भी होती है। इन दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्म टू द एनवायरनमेंट। और इस तरीके से, इन दिस वे मीन्स इस तरीके से, वी विल बी एबल, हम क्या योग्य हो जाएंगे, प्रिवेंट मतलब रोकना, हार्म टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को हार्म होता है, नुकसान होता है, उसे हम प्रिवेंट कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, रोक सकेंगे। ठीक है, इसे हम रोक सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया गया आपको, विजिट अ फार्म, एक खेत में आप जाइए, मेक अ लिस्ट टू द वेरियस क्रॉप्स, वहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं अलग अलग, वेरियस मीन्स अलग अलग तरीके के, जो अनेक, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं अलग अलग तरीके के, डिफरेंट सीजन में जो होते हैं, ठंडी के सीज़न में जो होते हैं, और विंटर सीज़न, मतलब विंटर सीज़न, समर सीज़न और मानसून में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिसकी फार्मिंग होती है, उसका लिस्ट बनाना है आपको अलग अलग फसल की, और डिस्कस करना है फार्मर के साथ में, किसान के साथ में, द वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन अवेलेबल ऑन द फार्म, जो अलग अलग मीन्स हैं, साधन, मीन्स मतलब साधन है, जो वे है अलग अलग इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उपलब्ध हैं, जो फार्मिंग, खेती करने के लिए, उसके बारे में उनसे पूछिए, डिस्कस कीजिए कि यहाँ पे वाटर सोर्स क्या है, कैसे आपके खेत की सिंचाई होती है, पानी कैसे मिलता है आपके खेत को, कौन सी नदी से मिलता है, वो सारी चीज़ें पूछना है। फाइंड आउट विच फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग, और ये भी फाइंड आउट करिए कि कौन से फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग को अफेक्ट करते हैं, लाइक वेदर, या फिर सॉय, मतलब फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, कौन सी चीज़ें आपके फार्मिंग को अफेक्ट करते हैं। यू विल रियलाइज़ दैट सेवरल डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन वन फील्ड। तो आपको रियलाइज़ होगा कि सेवरल डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, क्रॉप्स मीन्स फसलें, एक ही खेत में उगाई जाती हैं। मतलब ठंडी के टाइम में, जैसे कि गेहूँ, ठंडी के टाइम में सपोज गेहूँ बो दिया, या फिर बाजरी जो होती है, ठीक है, वो बो दिया, ज्वार बाजरा वो बो दिया, फिर मानसून के टाइम में चावल बो देंगे, तो अलग अलग फसल बोई जाती है। ठीक है, उस पर कॉटन भी बो दिया, तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग सीज़न में, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स बोई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फार्मिंग। अगर फार्मिंग के लिए एसेंशियल मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है खेती के लिए, बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता ना। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ आवर स्टेट आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, मतलब स्टेट के, हमारे स्टेट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न दिए गए हैं। ऑब्जर्व देम एंड कलर दिस रीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसे अलग अलग कलर से आपको यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग कलर उसमें यूज़ करना है, अलग अलग कलर से फिलअप करना है।
देखिए, टीचिंग द फॉर टीचर्स टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, गाइड द स्टूडेंट्स वेयर नेसेसरी। सी, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, ये कहाँ का पार्ट है, तो हमें पता है ये यहाँ का पार्ट है, ये साइड का पार्ट है, ठीक है, इस साइड का पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट है, तो ये पार्ट आएगा, तो इसे आपको इस ये कलर में करना है, और ये जो है ये आपको ढूंढना है ये कहाँ पे आएगा, तो ये भी आपका आई थिंक तो देखिए आप ये सेकंड वाला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से है ना, ऊपर से ये है, ये तो ये कहाँ से आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से आएगा, ये वाला ये पार्ट है, ओके। और थर्ड वाला देखिए आप, जैसे कि ये वाला, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ब्लैक वाला है ना, तो ये ब्लैक वाला देखिए, ये ब्लैक वाला क्या है हमें पता है, तो ब्लैक वाला जो है वो हमें पता है स्टेट बाउंड्री है, तो स्टेट बाउंड्री आपको ध्यान देना है, स्टेट बाउंड्री का। अब देखिए जो ये वाला है, ये कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, तो इस तरीके का शेप कहाँ पे आ रहा है, तो इस तरीके का शेप आ रहा है इधर, यहाँ पे इस तरीके का शेप आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला आप देख सकते हैं, ओके, तो ये वाला शेप आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला पार्ट किधर जा रहा है, तो इसे आप देखिए, ये नीचे साइड का पार्ट दिखा रहा है, तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मैप में, बट आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ये वाले नीचे की साइड आएगा, इस साइड में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ जाएगा, फिर ये तीनों लाइन आएगा, फिर इस तरीके से आपका ये मैप देख रहे हैं आप, यहाँ पे बनेगा, तो इस साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। इसमें मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, इसके लिए मैं आपको थोड़े अच्छे से थोड़ा सा बता नहीं पा रही हूँ, बट आप को मैं समझा दे रही हूँ आपको, ये चीज़ जो है ना, ये वाला रीज़न जो है इससे मैच करना है आपको, कि ये कहाँ से मैच हो रहा है, इसे आप मैच करना, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए, ये है स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, तो ये जितने भी आपको पार्ट ऐड करने हैं यहाँ पे, तो वो स्टेट बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए करना है। ये देखिए ये किस तरीके से ये कहाँ पर आएगा, ये स्टेट बाउंड्री जो दिख रहा है, तो ये कहाँ पर आएगा, तो देखिए यहाँ पे आएगा, ये मिल गया आपका, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है ना, ऐसे इस तरीके से, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये वाला पार्ट, फिर यहाँ से बस उसके बाद इस साइड अंदर में आ गया, ठीक है, अंदर में आ गया, फिर वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाला ये ध्यान में देना है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ से हमने लिया इसे, फिर इसका ये जो पार्ट है यहाँ पर आके पतला सा, तो ये कहाँ से कहाँ पर आएगा, तो ये आप ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स, अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से जो डायलैक्ट्स हैं, लैंग्वेज है, डायलैक्ट्स मीन्स क्या होता है, जो बोलियां होती हैं अलग, जैसे यहाँ का लैंग्वेज तो मराठी है, बट यहाँ पे जो डायलैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, जैसे कोंकण में कोंकणी बोला जाता है, मालवनी बोला जाता है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली जाती है। लैंग्वेज तो मराठी है, बस उससे मिलती जुलती जो कई सारी भाषाएँ हैं उसे बोला जाता है डायलैक्ट्स, मतलब मेन क्या है, मराठी है, तो मराठी से मिलती जुलती यहाँ पर बहुत लोगों की भाषा है अलग अलग, तो उसे बोला जाएगा डायलैक्ट्स। और इंडिया में बहुत सारे डायलैक्ट्स हमें पता है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960, तो जो महाराष्ट्र स्टेट है वो कब फॉर्म हुआ, तो 1960 को, 1 मई 1960, ये आपको डेट याद रखनी है। स्टेट इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मराठी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है इंडिया का हैव बीन फॉर्म्ड इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जितने भी स्टेट हैं इंडिया का वो सब
जो लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया, स्टेट के ना स्टेट के आधार पे ही वहाँ का, मतलब लैंग्वेज के आधार पे ही स्टेट फॉर्म हुआ है इंडिया के जितने भी स्टेट हैं। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट लैंग्वेज क्या है महाराष्ट्र का? तो मराठी। इन महाराष्ट्र देयर इज सिमिलैरिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। महाराष्ट्र में क्या है, बहुत सारी जो मराठी लैंग्वेज है उससे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जितने भी अलग अलग डायलैक्ट्स हैं, और उसमें क्या है डाइवर्सिटी भी, मतलब विभिन्नता भी है। दैट मीन्स कि ना तो पूरी मतलब कई सारी भाषाएं ऐसी हैं, जितने भी भाषाएं हैं, अलग अलग डायलैक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं, वो मराठी से मिलती जुलती भी हैं, लेकिन मराठी से अलग भी हैं ना, तभी तो इतने सारे डायलैक्ट्स हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वेरीज़ इन डिफरेंट रीजन्स। तो जो प्रोनाउंसिएशन मराठी जो लैंग्वेज है वो अलग अलग रीजन में थोड़ा अलग अलग तरीके से बोली जाती है, ठीक है। वी सी ए वैरायटी इन द डायलैक्ट्स दैट आर स्पोकन। तो जब अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग रीजन के लोग बोलेंगे मराठी, तो आपको वहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा, अरे कोंकण में तो अलग बोल रहे हैं, विदर्भ में अलग बोल रहे हैं, है मराठी बट उससे तो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो कोंकण में यहाँ पे देखिए अलग अलग, मतलब यहाँ पे बोला गया है वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे मतलब कि हमें इतनी सारी, हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, वेलकम ही कर रहे हैं ना, हम यही तो है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब वही कि विविधता में एकता है इंडिया में, सब इतने अलग अलग हैं फिर भी इंडिया तो एक ही है। तो यहाँ पे देखिए कोंकण रीजन में क्या क्या बोला जाता है, कोंकणियन, मालवनी। विदर्भ में क्या बोला जाता है, विदर्भ में बोला जाता है वराड़ी। खानदेश में क्या बोला जाता है, अहिरनी या फिर खानदेशी, ये लैंग्वेज है वहाँ की, लैंग्वेज बोला जाता है अलग अलग डायलैक्ट्स। गोरमती, कोलमी, कोरकू एट्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल डायलैक्ट्स ऑफ आदिवासी ट्राइब्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो आदिवासी ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी कबीले, आदिवासी जनजाति हैं, उनके जो ट्रेडिशनल डायलैक्ट्स हैं, जो उनका पारंपरिक डायलैक्ट जो बोलियाँ हैं, वो क्या हैं, गोरमती, कोलामी, कोरकू, ये उनके अलग अलग भाषा है, ठीक है। वी फाइंड वैरायटी इन द फेस्टिवल्स ऑफ आवर स्टेट। तो हमारे स्टेट में अलग अलग वैरायटी के अलग अलग, मतलब अलग अलग कितने अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशंस, हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस है उसके अकॉर्डिंग ही सब अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एवरी वन सेलिब्रेट्स दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, ये सारे फेस्टिवल मनाते हैं। इन द कोंकण रीजन फेस्टिवल्स सच एज नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड। जो कोंकण रीजन है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, नारली पूर्णिमा, होली और गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इन द प्लेटू रीजन पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज दशहरा। मतलब प्लेटू रीजन में क्या क्या मनाया जाता है, कौन कौन से फेस्टिवल, तो दशहरा, दिवाली और बेलपोला, और ये सारी, ये जो तीनों हैं, ये तीनों फेस्टिवल बिग स्केल स्केल पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त एंड 26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन जो 15 अगस्त 26 जनवरी है, जो हमारे पूरे देश का एक कह सकते हैं सेलिब्रेशन है, पूरे देश का एक फेस्टिवल है, वो हम सब मनाते हैं, हर जगह पे मनाया जाता है, ओके, विद ग्रेट एंथुसिज्म, एक ग्रेट उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही जॉय के साथ, विद अ ग्रेट जॉय। व्हाट इज़ द सोल्यूशन, सुधीर एंड स्वप्निल हैव कम टू योर टाउन। दो यहाँ पे बच्चे हैं जो सुधीर और स्वप्निल, वो आपके टाउन में आए हैं। दे विश टू टेक होम अ फेमस फूड आइटम योर फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट का फेमस जो फूड है वो खाना चाहते हैं। विच फूड आइटम विल यू गिव देम। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट का जो फेवरेट फूड रहेगा, जो फेमस फूड रहेगा, वही देंगे आप। आर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज मैन मेड और नेचुरली फाउंड। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि ये जो पहले विलेज बनाया, फिर टाउन्स बने विलेज से, ज़्यादा जब ज़्यादा विलेज हो गए तो उसका टाउन बन गया, ज़्यादा ज़्यादा टाउन बन गया, बहुत सारे टाउन मिलके सिटीज़ बने, बहुत सारे सिटीज़ मिलके तालुका बना, बहुत सारे तालुका मिलके डिस्ट्रिक्ट बना, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके स्टेट बना, और पूरा स्टेट, अलग अलग स्टेट मिलके क्या बना, कंट्रीज। ये क्या है, मैन मेड है या नेचुरली फॉर्म्ड? तो ये मैन मेड है, इंसानों ने मिलके बनाया ना, ये सब इंसानों ने मिलके बनाया। अब क्या पढ़ा वो देखते हैं। द फिज़िकल सेटअप ऑफ आवर स्टेट। तो हमने क्या देखा कि हमारे स्टेट का फिज़िकल सेटअप किस तरीके से, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे स्टेट में। वैरायटी इन क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं वो देखा हमने। अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे।
द स्टेट लैंग्वेज मराठी एंड इट्स डिफरेंट डायलेक्ट्स। और क्या सीखा हमने? जस्ट अभी अभी सीखा तो लैंग्वेज मराठी सीखा, मतलब कि ये सीखा कि हमारे स्टेट का जो लैंग्वेज है वो मराठी है और बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग बोलियाँ हैं। वैरायटी इन सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स, अलग अलग वैराइटीज़ इन सेलिब्रेशन, मतलब अलग अलग जो फेस्टिवल होते हैं उसका सेलिब्रेशन किस तरीके से अलग अलग किया जाता है वो सब हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। तो दो पार्ट में ये वीडियो बनाया है, तो दोनों पार्ट आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के नीचे ही आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन के नीचे में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, तो वहाँ से देख लेना। और पार्ट वन में, अगर जिसने पार्ट वन देखा रहेगा तो पार्ट वन में इस पार्ट टू का भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसे, ठीक है? और कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल जो बेल आइकॉन है ना उसे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 16 डे एंड नाइट। ओके।